गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग अमेजिंग। हम भी आर आल्सो गुड। हम भी बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। यस, अ लॉन्ग टाइम बैक। फिर से हम बैठ के घर में कुछ वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। बहुत बिजी हो गए थे हम रिसेंटली। शेड्यूल हो चुका है। पहले तो मैं ऑफिस नहीं जाता था तो ऑफिस से स्टार्ट कर दिया तो अब टाइम नहीं मिल पाता। हां, तो इनिशियली इसने 2 महीने ऐसे ऑफिस स्किप किया था तो अभी फिर से ही स्टार्टेड। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। वो संडे का ही एक ही दिन मिलता है और उस दिन में लिटरली मुझे बस आराम करने का मन करता है। फिर भी मैं उसको उठा के लेके जाता हूँ बाहर क्योंकि इसके साथ साथ तो मुझे भी बस संडे मिलता है। आई गेट टू हॉलीडेज सैटरडेज एंड संडे। इसका क्या है कि इसको पूरे दिन घर में रहना पड़ता है। हाँ। एक दिन मिलता है इसको संडे का बाहर घूमने का। मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ और एक दिन मुझे मिलता है घर। एग्जैक्टली। एंड मैं बहुत बोर हो जाता हूँ क्योंकि मैं तो घर से काम करता हूँ तो मंडे टू संडे कंटिन्यूसली घर में बैठना इज अ बिग टास्क फॉर मी एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जो बहुत घूमते फिरते रहता है। तो अभी मेरे लिए भी बहुत बोरिंग बन गया है चीजें। सो लास्ट टाइम से 2 टाइम से जब भी मुझे ऑफ मिला हम लोग सीआर पार्क जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वाइब लेने के लिए जा रहा था क्योंकि इस बार तो हम जा नहीं पाएंगे फेस्टिव सीजन में कोलकाता या गुवाहाटी। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि यार किसी फेस्टिव सीजन में हमारी शादी पड़ रही है। एग्जैक्टली। सब चीजें एक साथ है तो इस बार नहीं जाना होगा और ये फर्स्ट टाइम है मैं मेरे घर से इतने दूर दिल्ली में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना पड़ रहा है विच इज वेरी सैड। इसको मैं हमेशा ये ऑफिस जाता है देन आई कॉल हिम कि नहीं मैं टिकट कर रहा हूँ चलेंगे कुछ भी हो जाए। यूट्यूब खोल के बैठ जाता है, गुवाहाटी देखता, कोलकाता देखता, फिर बोलता है टिकट कर रहा हूँ छुट्टी ले रहा हूँ। बट अगेन पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमें फिर से लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक्स लेने हैं एंड फाइनेंसेस भी है। अक्टूबर में छुट्टी लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, हाफ डे छुट्टी है, शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। यस, तो हमने सोचा कि कोई नहीं इस साल यहीं पे, नेक्स्ट ईयर वी विल गो टू कोलकाता फॉर दुर्गा पूजा। इस बार सीआर पार्क में हम लोग बनाएंगे। हाँ, सीआर पार्क में मनाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गया एंड सेकेंडली a very happy festive season to everyone out there, whoever is watching this video. जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट एंड देन यू नो दुर्गा पूजा है तो हम बंगालीज का वो है कि यू नो नए कपड़े, बहुत सारे कपड़े खरीदने होते हैं। तो आज हमने सुबह सुबह महालय वाला गीत भी सुना। yes, साढ़े चार बजे उठ के मैंने इसको फोर्स किया लिटरली क्योंकि हम लोग के यहाँ पे 4 बजे उठ के भी लिसन द चंदी पथ लिटरली महालय वाला सॉन्ग इतना पीसफुल है ना, इतना शांति बहुत अच्छा लगता है। तो पूजा वाइब एकदम आ जाता है मतलब एंड द वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि फेस्टिव सीजन है एंड वी हैड टू शॉप अ लॉट तो वी वर वेरी कंफ्यूज लिटरली इस बार कि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थोड़े बहुत आउटलेट्स में यू नो जाके, जैसे कि हम बचपन से हम वैसे ही करते हैं कि जाके शॉपिंग करते हैं, बट इस बार अच्छा कलेक्शन नहीं था। तो वाइल स्क्रोलिंग थ्रू द इंटरनेट हमें एक बहुत अच्छा वेबसाइट मिला लिटिल बॉक्स एंड ये रिसेंटली शार्क टैंक में भी आया था एंड वहाँ के कलेक्शंस लिटरली मुझे बहुत अच्छे लगे एंड इट वाज डिफरेंट साउथ कोरिया वाले कपड़े। हाँ, इट वाज वेरी डिफरेंट। वो कोरियन पैंट्स वगैरह, बैगी पैंट्स वगैरह जस्ट लाइक तो बहुत पसंद। हाँ, हमें अच्छे लगे तो हमने सोचा कि मोस्टली हमें मिलते नहीं है कभी जाओ कहीं किसी शॉप में तो इजीली नहीं मिलता है यू नो मोस्टली हमें वो स्किनी पैंट से मिलते हैं व्हिच इज नो मोर द ट्रेंड एनीमोर। सो हमने वी गॉट सम प्रोडक्ट्स विद सम आर्टिकल्स फ्रॉम littlebox.in एंड ये वीडियो है बेसिकली एक हॉल वीडियो। हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या मंगवाया है एंड हाउ वी कैन वेयर देम, लेयर देम और यू नो वी विल शो यू एग्जैक्टली कर सकते हैं उसको। हाँ, तो विल शो यू दैट नाउ सिंस इट्स अ हॉल वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ कपड़े दिखाएंगे। बंगाली स्टाइल का कुर्ता लाया है जो इसको बहुत सूट कर रहा है तो विल शो यू गाइज दैट एज वेल। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि हाउ इट लुक्स ऑन अस। सो हियर आर ऑल द आर्टिकल्स दैट वी गॉट फ्रॉम लिटिल बॉक्स एंड अभी हम वन बाय वन आपको दिखाएंगे। फर्स्ट इज दिस ब्लैक, दिस इज अ ब्लेजर काइंड ऑफ शर्ट बिकॉज आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, मतलब जो ये होता है ना शेप, इसका शेप थोड़ा सा ब्लेजर टाइप का है, कॉलर वगैरह अभी पहन के दिखाएंगे। हाँ, वी विल आल्सो वेयर दिस एंड इसके साथ वी आल्सो हैव अ ट्राउजर्स व्हिच इज अ सेट बेसिकली।
तो लाइक सेंडो टाइप डाल के उसको हाँ इसके इसके इसको लेयर कर सकते या ऐसे ऐसे सिंपल भी पहन सकते व्हिच इज आल्सो अ स्टाइल इफ यू डोंट हैव चेस्ट हेयर्स. हाँ तो वी आर गोना ट्राई दिस एंड शो यू नाउ. Second article we got here is this beige shirt and this trousers which is also a set and bahut zyada soft kapda hai bahut soft hai garmi ke din mein bhi acha lagta hai isko matlab white t-shirt white nahi grey ya grey contrast karke pehenna padega ye nitesh ko bahut acha lagega it will not look good with on me mujhe mere ko wo bhi acha lagega ye bhi acha ha because he is fair complexion to isko sabhi suit karta hai honestly. मुझे देखना पड़ता है लिटरली कपड़े खरीदते वक्त कि कौन सा विल लुक गुड इन विद माय स्किन टोन. अगर तुम बोलते हो ना ये तो हो गए सेट्स की बात एंड अभी हमारे पास दो अमेजिंग कार्गो ट्राउजर्स है विच वी रियली रियली लव एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्राउजर इज दैट यहाँ पे बहुत यू नो दिस इज काइंड ऑफ लाइक बैगी एंड इट हैज अ लॉट्स ऑफ पॉकेट्स एज वेल तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे विथ चंकी शूज दिस विल लुक अमेजिंग. This is a very versatile pant. और आप मैंने पहन के भी देखा था इसको उस टाइम. हाँ आया था ये. हाँ ये पहन के देखा था. बहुत मैं थोड़ा टॉल हूँ ना तो मुझे थोड़ा यार मुझे भी यहाँ तक पहनना पड़ा था. हाई वेस्टेड पैंट रियली सूट करता है एंड ये इतना वर्सेटाइल क्यों है क्योंकि हम लिटरली इसको किसी भी कलर के शर्ट के साथ पहन सकते हैं. दिस बीच बहुत लॉन्ग या थोड़ा बहुत ढीली से तो उसके साथ वो मैच हो जाएगा. इवन ब्लैक भी बहुत अच्छा लगेगा. सिंपली अ टी शर्ट राउंड नेक टी शर्ट on a shirt will look amazing with this. And the last piece that we have here is with us is this is my favorite as well. This is a shorts jo ki bahut comfortable hai and maine already ye pehen chuka hu already. Iske humne picnic kiya tha to I totally love. Summers ke liye best hai and moreover you have nice versatile pockets in here as well. अभी पहन सकते हैं फिर विंटर स्टार्ट हो जाएंगे फिर नहीं पहन पाएंगे तो अभी जितना पहनना है पहन के हमें खत्म करना है. एक बार इसने पहन लिया मेरी बात. That's all about the video, guys. Hope you guys have enjoyed this video and let us know in the comment section if किस टाइप के वीडियोस चाहिए and if you guys more haul kind of videos we are ready to provide them because हम shopping करते रहते हैं and अभी तो it's festive season तो we will definitely bring out more and more haul videos. Hope you guys have an amazing festive season and हम भी काफी enjoy करने वाले हमारा first festive season. Next field vlog में दिखेगा next reel में दिखेगा. Because ये हमारा first festive season है and we have planned that. मैं तेरे बीत गया ना मुझे इसके साथ पता भी नहीं. हाँ because next मेरे birthday से अभी दोबारा birthday आने वाला है. हाँ तो मुझे याद आती है last time वाली birthday वाली इसके last time birthday में इसको भाव नहीं दे रहा था and this time yeah that is the truth. कि मैं इसको भाव नहीं दे रहा था इतना बट इस बार इसको भर भर के भार मिल रहा है. भाई किलो में भाव मिल रहा है टन में भाव मिल रहा है इसको अभी. बट ओके इसका बर्थडे आ रहा है 15 अक्टूबर को इट्स हिज बर्थडे बट अभी तक कुछ सोचा नहीं है क्योंकि शादी भी है. यस सो मे बी शादी ही बर्थडे से बर्थडे गिफ्ट शादी बर्थडे मे बी इस साल इतना कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी द वेडिंग इज जस्ट अ मंथ लेटर. नेक्स्ट मंथ seriously next month it's next month guys where is the josh how is the josh to hum here is the josh hum to were excited hai but I hope every one of you is excited as well to witness this wedding. Of course ye society mein bahut zyada changes layenge. I hope we hope yes. ki logo ko aur zyada motivation mile
टू बी आउट एंड प्राउड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी विद द पर्सन यू रियली लव एंड जस्ट यू नो टू बी इन टू स्टैंड इन अ सोसाइटी एंड नॉट फील बैड अबाउट योर सेल्फ दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन हू एवर इज वॉचिंग दिस वीडियो. So lots of love from us guys, a very lots happy festive season from Ravnish and a happy Durga Puja, happy Navratri and happy Diwali, happy Diwali. Happy everything, happy Lakshmi Puja aur kuch hai Christmas tak happy sab kuch sab happy hone wale hai abhi to let's see you guys in the next video. Chalo bye tata.